और बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ में अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं और इसी बीच में खबर सामने आई है जहां पर अब 11 से 14 अगस्त के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और इसी तहत करीब 11 से 14 तक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 अगस्त के बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राजधानी में विशेष आजादी कार्निवल मेरा तिरंगा ऐप पर सभी लोग तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपलोड कर सकेंगे और 1-5 अगस्त के बीच में बांटे जाएंगे घर घर तिरंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अमृत महोत्सव को शानदार तरीके से मनाने को लेकर तमाम तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा रही है। तेजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको ये भी बता दें कि 1 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक घर घर तिरंगे भी बांटे जाएंगे। और अब खबर लखनऊ से है जहां महापौर संयुक्ता भाटिया ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। वृक्षारोपण और गमला रोगन का यह कार्यक्रम रहा जहां पर आलमबाग कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दें कि पेड़ से वायु और वायु से आयु कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा पर्यावरण लगातार दूषित होता चला जा रहा है, इसकी चिंता हम सबको करनी है। हम सब लोगों ने अभी कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन में किस तरह से कमी के कारण हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। हमारे बीच के बहुत से लोग हमको छोड़कर चले गए। ऑक्सीजन की कमी, पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता था, प्राकृतिक ऑक्सीजन मिला करता था, लेकिन आज वो ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और पर्यावरण लगातार दूषित होता चला जा रहा है। इसकी चिंता करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ पौधे लगाने का एक लक्ष्य दिया है, जिसमें सारे विद्यालयों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। आज ये विद्यालय उस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए। खबर अब हल्द्वानी से है जहां हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2000 करोड़ रुपए की घोषणाओं को लेकर उनके क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कमिश्नर और मेयर के सामने विकास योजनाओं का खाका तैयार रखा है। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि और वन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सीवरेज और पेयजल की व्यवस्था समेत शहर के सौंदर्यकरण और नई तरीके के विकास कार्यों को लेकर ये पूरा रोड मैप दिखाया गया है। जल्द से जल्द शहर में होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर टेंडर निकालने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम इसकी मीटिंग ले रहे थे, इसमें मेयर साहब भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं और इसमें यह है कि हल्द्वानी प्रमुख शहर है कुमाऊं का और इसमें बहुत सी बेसिक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता है। सबसे पहले कंपोनेंट इसमें सीवर और सेप्टेज का है। जो नए एरिया जुड़े हैं उसमें आज की तारीख में सेप्टेज की व्यवस्था नहीं है, एक तो वो की गई है। पुराने एरिया में भी जहाँ पे सीवर नेटवर्क नहीं है उसमें सीवर लाइन बिछाने का नेटवर्क है। और दूसरा कंपोनेंट इसके पेयजल का है, जो नए एरिया जुड़े हैं यहाँ पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, ये इवेंचुअली आगे जाके जमनानी से भी इंटीग्रेट हो जाएगी वो है। तीसरा स्पेस इसका जो है वो ट्रांसपोर्ट का और अर्बन लैंडस्केपिंग का है। अर्बन लैंडस्केपिंग में मतलब इसमें बिल्डिंग्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, ग्रीन स्पेसेस भी हैं और ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें कि लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, बसेस होनी चाहिए, कुल मिला के जो एक अच्छी नागरिक सुविधाएँ होती हैं एक शहर के अंदर। वो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी सरकार द्वारा 2025 करोड़ रुपया माननीय जी मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है, उसी के निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। आज इस बैठक को चेयर कमिश्नर कुमाऊं दीपक राव जी ने किया और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स, वर्किंग एजेंसीज और पीसी और इंफ्राटेक जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर थे और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन रहा और लगभग जितने भी कंपोनेंट्स जो लोगों की बेसिक एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं उन पर बड़ी विस्तृत जानकारी ली गई और जो भी कहीं डाटाज।
और इस बीच हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई गई। इस दौरान नारसेन से लेकर हरिद्वार की हर की पौड़ी तक हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं। जैसे ही हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर पहुंचा, वैसे ही पॉलिथीन का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा है। गनीमत यह रही कि प्लास्टिक का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से नहीं टकराया। अगर ऐसा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त हर की पौड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उसी वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त भी मौजूद थे। इसी बीच एक बड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा और इसी तरह से हेलीकॉप्टर को लेकर एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी जो कि टल गई है। बताया जा रहा है कि घटनाओं से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया कि एक हाइट तक ही चॉपर को रखा जाए। जब ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंचा, तब ये चॉपर काफी नीचे उड़ रहा था। बता दें आपको कि कांवड़ियों के स्वागत में एक हल्की सी ये गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है।